नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मानखुर्द के मंडला क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में तड़के 3:15 पर आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल की कम से कम 12 गाड़ियां, 10 टैंकर और 150 अग्निशमन कर्मी मौके पर भेजे गए थे। 5 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 8:30 आग पर काबू पाया गया। आग में किसी के झुलसने की सूचना नहीं है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि आग की घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति का नुकसान हुआ। हालांकि शुक्रवार को आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी हरीश नडकर मामूली रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हें गोवंडी के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी हालत स्थिर है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस जगह पर आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। वहीं दूसरे व्यक्ति नंदलाल गुप्ता ने कहा कि इलाके में कई सारे गोदामों में तेल रखा हुआ था, जिसके कारण आग और ज्यादा फैल गई। उन्होंने बताया, हमें नहीं पता कि आग लगी कैसे, लेकिन यहां कई सारे गोदाम हैं जिनमें जले हुए तेल स्टोर किए जाते हैं। यहां ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, जो आग लगने के बाद दूसरी जगहों पर चले गए। आग लगने वाली जगह के नजदीक ही झुगी झोपड़ी वाला इलाका है। महापौर ने कहा कि इस स्थान पर अवैध तरीके से तेल के बैरल का भंडारण करने को लेकर नगर निकाय और स्थानीय पार्षद द्वारा कलेक्टर के दफ्तर में कई बार शिकायत दर्ज कराई गई है। पेडनेकर ने कहा कि बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC और पुलिस की मदद से पहले भी इसे लेकर कार्रवाई की गई है। एवी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।